नमस्कार, इंडिया 24 टाइम्स में आप सभी का स्वागत है। राष्ट्रीय आपदा राहत बल के द्वारा एनसीसी कैडेट को प्रशिक्षण दिया गया। 8 बिहार बटालियन एनसीसी के प्रशासी पदाधिकारी लेफ्टिनेंट कर्नल के आर रेड्डी ने सभी कैडेट को आपदा के बारे में बताया और सभी को अच्छे से सीखने और सिखाने के लिए बताया। उन्होंने बताया, आपदा के समय जब तक हमारे राष्ट्र अथवा राजकीय आपदाएं के राहत बल आते हैं तब तक घटना हो चुकी होती है, इसलिए सभी को आपदा के समय क्या करना चाहिए क्या नहीं करना चाहिए यह सभी कैडेट को सिखाया गया, ताकि आने वाले समय में इस जिला के कई गांव बाढ़ से समुद्र में बदल जाते हैं और वह उसे तुरंत कोई देखने वाला नहीं होता है। हमारे एनसीसी कैडेट जिला के विभिन्न गांव मोहल्ले से आते हैं, जो आसानी से आपदा के समय लोगों को होने वाली सहायता कर सके। चंदधारी मिथिला के उप प्राचार्य डॉक्टर आर एन चौरसिया ने सभी कैडेट को बताया कि देश में आपदा के समय देश के सभी युवाओं को आपदा में आगे आने की जरूरत होती है। एनसीसी को तो नेशन फर्स्ट कहा ही जाता है, चाहे जो परिस्थिति हो वह कैडेट्स हमेशा देश के लिए आगे आते हैं। और आप लोग को पता है कि उत्तर बिहार जो बाढ़ के समुद्र बन जाता है, कई जगह बड़ी बड़ी दुर्घटनाएं भी हो जाती है, इसलिए राष्ट्र आपदा राहत बल को बुलाया गया। इससे आप लोगों को प्रशिक्षण लेकर अपने गांव कस्बा में ये काम कर लोगों को जागरूक करिए, ताकि बाढ़ या अन्य परिस्थिति में कोई डूबे ना। ये हो गया जीवन, अब इसका हाथ ही कहीं नहीं है। ये अगर पैदल भी जाएगा तो इसका हाथ नहीं है। बन जाएगा स्ट्रेचर। तो ये जो तलहटी है, जब हम इसको प्रेस करेंगे तो 30 और 2 का रेशियो प्रेस 30 बार चेस्ट के में कम प्रेशर देंगे और 2 बार ये उसका मुंह हवा देना, 30 बार चेस्ट कम प्रेशर 2 बार ये एडम ऑफिसर 8 एनसीसी बटालियन दरभंगा के दरभंगा से है। तो यहाँ आज जो जितने भी है हमारा 7 कॉलेजेस है, इनका जो बच्चे जो भी है इधर जो एसडी कैडेट्स एसडी एंड एसडब्ल्यू, इनके लिए आयोजन किया है एनडीआरएफ के द्वारा एक क्लास आयोजन किया है, जिसके अंतर्गत ये फर्स्ट एड का और लिफ्टिंग और विपत्त कर समय में किस तरीके से बचाना चाहिए, जो जो सिचुएशन में फंस जाते हैं उनको किस तरीके से निकाला जाता है, इस तरीके से प्रशिक्षण एनडीआरएफ के तरफ से दिया जाता है। इसी के लिए हम ये बच्चों के देने से ये अच्छा मददगार हो जाएंगे और जो सिचुएशंस में टालने के लिए एनसीसी कैडेट्स को वॉलंटरी कैडेट्स को भेज दिया जाता है। वेन एवर कॉल कम्स तो फर्स्ट जो डिस्ट्रिक्ट की तरफ से ये जो मांग आ जाता है उस समय हमें वॉलंटरी कैडेट्स को हम भेज दिया जाता है, और इनको अगर ये प्रशिक्षण मिलेगा तो ये बहुत अच्छा उपयोग हो जाएगा और पेशेंट्स को बचाया जा सकता है जो ऐसे सिचुएशंस से।
सर कार्यक्रम में कुल कितने बच्चे शामिल हो पाए? इसमें करीब 90 से 100 बच्चे पार्टिसिपेट किया है और इसमें SD SW यानी गर्ल्स भी है और बॉयज भी है, ये स्पेशली सीनियर कैडेट्स है और जो बाकी जो JD JW के लिए और हम और दूसरे और एक बार इनका क्लास आयोजन किया जाएगा। एक साथ एक क्लास में पूरा कवर नहीं हो पाएगा, इसको दोबारा अभी हमें इनको निमंत्रण करेंगे, एक और बार क्लास लेगा सर जिससे आई एम कर्नल लेफ्टिनेंट कर्नल KR रेड्डी एडमिनिस्ट्रेटिव ऑफिसर 8 बिहार NCC बटालियन दरभंगा। जी हम लोग फर्स्टली NDRF से आया हूँ पटना से। यहाँ पर जो है NCC कैंडिडेट को हम लोगों ने जो है MFR के बारे में जैसे कि आपदा से निपटने के लिए जो है हमने लिफ्टिंग एंड मूविंग एंड CPR और जो है ब्लड कंट्रोल का जो है ने डेमो और प्रोसीजर दिया है जिससे कि आने वाले समय में कोई भी चुनौती से NCC कैंडिडेट निपट सके। आपका परिचय सर? मैं SI अंकुश बाबू 09 NDRF बीटा पटना से। आज 8 बिहार बटालियन NCC दरभंगा के तत्वावधान में NDRF टीम बीटा पटना के द्वारा NCC कैडेट्स को आपदा प्रबंधन से बचने के लिए प्रशिक्षण की व्यवस्था की गई है। विभिन्न 7 महाविद्यालयों का स्थानीय NCC कैडेट्स यहां आए हैं और उन्हें एक्शन के द्वारा करवा करके उनसे भी करवाया जाएगा और करके पहले NDRF टीम बताएगी जो फर्स्ट एड कैसे किया जाता है, कोई बाढ़ से डूब रहे हैं बाढ़ से कैसे बचाव करेंगे, भूकंप से, तो प्राकृतिक आपदा जितने तरह के होते हैं, बिहार का यह जोन जो है उत्तर बिहार वो खास करके आपदा प्रबंधन के क्षेत्र में आता है, भूकंप का भी बाढ़ का भी प्रभाव बहुत पड़ता है और बहुत तरह की अन्य जो आपदाएँ हैं उसमें NCC के खुद बच्चे कैसे बचेंगे और समाज को कैसे बचाएंगे इसकी ट्रेनिंग दी जा रही है और मैं समझता हूँ यह बहुत ही उपयोगी है यह कार्यक्रम। NCC नहीं बल्कि जैसा कि रेड्डी साहब ने कहा और भी ट्रेनिंग कई बार चलेंगे, सामान्य लोगों को खास करके युवाओं को इस तरह के प्रशिक्षण की आवश्यकता है ताकि वे अपने परिवार और समाज के लोगों को आपदा की स्थिति में बचा सकें। कहा जाता है कि सुरक्षा ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है, जब घटनाएँ हो जाती हैं तो उसको घटना को रोका जाना कैसे संभव है और घटना हो जाए तो फिर उसमें कम से कम नुकसान जन धन दोनों व्यक्ति की भी नुकसान कम से कम हो और धन का भी नुकसान कम हो तो ये प्रशिक्षित व्यक्ति ही कर सकते हैं बेहतर ढंग से। तो इसका आज की प्रशिक्षण का मैं समझता हूँ काफ़ी उपयोगिता है और युवाओं पूरे छात्र को शिक्षक को इसका प्रशिक्षण लेना चाहिए। मैं आभार व्यक्त करता हूँ 8 बटालियन NCC का और NDRF टीम बीटा का, हमारे महाविद्यालय उन्होंने कार्यक्रम रखा है, चयन किया है और महाविद्यालय परिवार की ओर से, प्रधानाचार्य की ओर से इन संस्था को मैं आभार देता हूँ, धन्यवाद देता हूँ। मैं डॉक्टर RN चौरसिया, बरसर CM कॉलेज दरभंगा।